من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد واجب الاحترام سامعین محترم अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दी हमदो सना दे बाद बेशुमार ला तादाद दुरूदो सलाम इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जाते गिरामी थे जिस मुकाम जीशान नो मैं इस वक्त तिलावत कीता ए मुकाम आलिशान अल्लाह मालिकुल अल्लाम जुल जलाल वल इकराम दी अजीम शान और अजीम उल बरकत किताब दा तीमा सपारा सपारे दा रुकू चौदवा सूरत दा नाम सूराए फजर सूरत दिया इब्तदाई आयात ने अल्लाह खालिक व मालिक ने मुख्तलिफ चीज़ां नूं यानी बाज़ नूं बाज़ ते अजमत और फजीलत अता फरमाई है कुरान पाक दा और हदीस मुबारक दा अगर मुताला कीता जाए तो पता ये चलता है कि रब्बे कायनात ने तमाम किताबों चो कुरान पाक नू सब नालों अफजल और आला बनाया मक्का और मदीना कायनात दियां बस्तियां चो सब नालों अफजल और आला ने सारे पत्थरों चो हजरे अस्वद अफजल और आला सारे पानिया चो जम जम नू अफजल और आला बनाया सारे दिना चो जुमातुल मुबारक नू अफजल बनाया सारिया रातों चो लैलतुल कदर नू अफजल और आला बनाया
सारे महीनों चो रमजान मुबारक दे महीने नु अफजल और आला बनाया, यानी बाज़ नु बाज़ ते अल्लाह ने फजीलत अता फरमाई है। साल दे 12 महीने ने जिस तरह अंग्रेजी महीनों चो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ये 12 महीने ने, या देसी महीने जिन्हों असी आने सौम भादो अस्सू कत्ते, इस तरह इस्लामी साल दे भी 12 महीने ने। इन 12 महीनों की इब्तदा मुहर्रम उल हराम तो शुरू होती है, यानी जिमें अंग्रेजी महीनों चो पहला महीना जनवरी है और आखिरी महीना दिसंबर है, इस तरह कमरी साल यानी चन्न नाल जिहड़े चलते ने अरबी महीने, उन्हां चो मुहर्रम सब तो पहला महीना और जुल हज साल का आखिरी महीना। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम ने वैसे तो बड़ी अजमत और फजीलत अता फरमाई है रबी उल अव्वल नू के रबी उल अव्वल च मुस्तफा दुनिया ते तशरीफ ले आए, बड़ा अजमत वाला महीना। तो चार इन 12 महीनों चो 4 महीने ने जिन्होंने हुरमत वाले महीने कहा जाता है, उन्हें 4 महीनों चो ज़िकात जिदा अज आखिरी दिन है, ज़ुलहज जेड़ा उम्मीद है कल शुरू हो जाएगा, मुहर्रम यानी आ 3 महीने मुसलसल ने ज़िकात ज़ुलहज और मुहर्रम, और एक महीना रजब शाबान रमजान, रमजान तो पहला महीना शाबान है और शाबान तो पहला महीना रजब है। आ 4 महीने ने जिन्हानू अल्लाह ने हुरमत वाले महीने आख्या, और इन्हां 4 महीनों चो यह जड़े दिन कल नू शुरू होने ने ना जुल हज दे 10 दिन, यानी आम उर्फ आम दे अंदर अशरा जुल हज जिन्हों कहा जाता है, यानी मुहर्र यानी जुल हज दे 10 दिन, अशरा अरबी च दशा नू आंदे ने, यानी जुल हज दे पहले 10 दिन जड़े ने उन्हां दी अजमत और फजीलत की है। मैं इस हवाले नाल इंशाअल्लाह आज कुछ बातां तुहाडी खिदमत पेश करांगा। अशरा जुल हज की फजीलत की है, अजमत की है, मकाम की है, आओ जरा अज दे इस खुतबे जुमा दे अंदर समात फरमान की कोशिश करना। तो मैं अर्ज कीता है ना कि साल दे 12 महीने ने और इन्हां 12 महीनों चो 4 महीने हुरमत वाले ने कित्थे लिखे है, आओ जरा अल्लाह दा कुरान समात फरमा लो। इस पारा 10वें ते सूरत दा नाम है सूरा तौबा। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने इन्ना इद्दत शुहूर इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाह हिस्ना अशर शहरन फी किताबिल्लाह यौम खलक़स्समावात वल अर्ज़ मिन्हा
أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أن الله مع المتقين. اللہ ذل جلال فرما رہے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ. اللہ ذل جلال ولی کرام نے لکھ دیتا ہے جدو تو کائنات دا نظام بنایا اللہ ذل جلال ولی کرام نے سال دے بارہ مہینے ترتیب وار بنائے اور او بارہ مہینے او ہوئی محرم سفر ربیع الاول ربیع ثانی جمادی الاول جمادی ثانی رجب شعبان رمضان شوال ذیقعد ذوالحج اور اگے پھر پہلا مہینہ محرم دا اے بارہ مہینے اللہ ذل جلال ولی کرام نے بنائے کدوں تو فرمایا یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ نہر جدوں تو اللہ نے آسماناں نو بنایا اللہ نے جدوں تو زمین نو بنایا تے تیار فرمایا ادوں تو لے کے بارہ مہینے بنائے نے تے انہاں بارہ مہینے چو چار مہینے اللہ نے حرمت والے بنا دیتے نے. ہن حرمت والے مہینے دا معنی کی ہے کیوں حرمت والے نے کی کرنا تے کی نہیں کرنا اینا حرمت والے مہینے دے اندر آپس وچ جنگ نہیں کرنی حرمت دا مان ہے آپس دے اندر جنگ نہیں کرنی آپس دے اندر لڑائی نہیں کرنی آپس دے اندر قتل و غارت جنگ و جدال دا کام نہیں کرنا. فرمایا یوم اے میرے محبوب پیغمبر اربعۃ نہر ذالک الدین القیم میں قربان جاواں. اللہ ذل جلال والی کرام نے اے سانو ایک ایک گل قرآن دی زبانوں سمجھائیے تے مصطفیٰ دی زبانوں سمجھا دیتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑاں رحمتاں نازل فرمانا تے ساڈے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا. ہن عشرہ ذوالحج یعنی کل امید ہے کل انشاءاللہ عشرہ ذوالحج شروع ہو جائے گا. اس عشرے دی یعنی اینا دساں دناں دی فضیلت کی ہے میں قربان جاواں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اقدس و اعلی و عرفہ تو ساڈے تک وہ پیغام پہنچا دیتا ہے. یہ دے اندر چونکہ بہت ساریاں چیزاں اکٹھیاں ہو گئیاں نے مفسرین نے محدثین نے فرماندے نے کہ شاید اس وجہ تو اس ذوالحج دے پہلے عشرے دی عزت عظمت اور فضیلت زیادہ ہے کہ اے دے اندر اسلام دے سارے ارکان ہی جمع ہو جاندے نے اسلام دے بنیادی ارکان جنہ دا ذکر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پانچ ارکان نے کنے اسلام دے بنیادی پانچ ارکان نے حدیث پاک دے الفاظ کی نے آپ فرما دے نے بنی الاسلام علی خمس پانچ اسلام دے بنیادی ارکان بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان.
मेरे ते तुहाडे पाक पैगंबर अली सलातो व सलाम दा फरमाने गिरामे फरमाया बोने यल इस्लाम अला खमजन। इस्लाम दी बुनियाद पंजा चीजा तुसी वेखो ना, ऐ एक मकान बंदा बनांदा है या कम अज कम एक कमरा तैयार करदा है, उस कमरे वास्ते चार दीवारा ते एक छत, चार दीवारा एक छत होएगी ते फिर कमरा कहलाएगा। दीवारा तीन होन उत्ते छत होए ते सामनी दीवार कोई ना होए उनु कमरा नहीं आंदे बरामदा आंदे ने। चार दीवारा होन उत्ते पंजवा छत होए ते इनु कमरा आंदे ने, मकान आंदे ने। एक दीवार ना होए ते कमरा पूरा हुंदा, छत ना होए ते कमरा इनु कहलांदा नहीं। इस्लाम दे पंज रुकन ने, इन्हां पंजां चो एक दा भी कोई इनकार करेगा ते बोलो मुसलमान रह सकदा? जरूरी है इन्हां ते ईमान रखना जरूरी है। एक बंदा अल्लाह दी वहदानियत दा ऐलान ते करदा लेकिन नबी अली सलातो व सलाम आप दी खत्मे नबुवत दा मुनकर है, ये बंदा भी मुसलमान हो सकदा नहीं। एक बंदा अल्लाह जुल जलाल वाली कराम दी वहदानियत दा मुनकर है, नबी पाक अली सलाम इज्जत बड़ी करता है, आपका अदब भी करता है, एहतराम भी करता है, आका नाल मुहब्बत भी करता है, लेकिन रब्बुल आलमीन दे नाल शिरक करता है ते ए भी बंदा मुसलमान नहीं। एक बंदा अल्लाह नू वाहिद भी मानता है, रब्बुल आलमीन दी उलूहियत रबूबियत नू भी मानता है, नबी पाक अली सलातो व सलाम आप नू नबी भी मानता है ते खातम नबीयीन भी मानता है, लेकिन नमाज का इनकार करदा आंदा जी मैं नहीं मानदा, यह भी बंदा मुसलमान नहीं। रोजे का इनकार करदा ते मुसलमान नहीं, हज का इनकार करदा ते मुसलमान नहीं। पांच चीज़ा बुनियादी ने, जरूरी ने, जब तक ये पंजां दे नाल पूरी तरह इंसान का तमस्क नहीं होएगा मुसलमान नहीं कहलाएगा। आमिना दे लाल अली सलाम फरमांदे ने शहादत अल्लाह इलाह इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह दी वहदानियत दी गवाही देना, अल्लाह एक, नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम दी नबुवत खत्मे नबुवत दा इकरार ऐलान करना, दिल चो दी ताई ते तस्दीक करना, शहादत अल्लाह इलाह इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मद रसूल ते नंबर दो वाइकाउम सलाम वाइता इज़्ज़का वल हज वसौम रमज़ान। फरमांदे ने इस्लाम दी बुनियाद पंजा चीजां ते वे ला इला इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एते कामिल ईमान रखना, नंबर दो नमाज अदा करना, नंबर तीन जकात अदा करना, नंबर चार रमजान मुबारक दे साल बाद महीने दे रोजे रखना, नंबर पांच अगर अल्लाह ने ताकत ते हिम्मत तौफीक अता फरमाई है। आ फरमांदे ने साल नहीं, सारी जिंदगी कम अज कम एक दफा उन्होंने बैतुल्ला दा हज करना जरूरी है। मैं कुर्बान जावा इस अशरा जुल हज दी फजीलत तो मालूम हुंदा कि इस दसा दिनां विच अल्लाह ने सारियां इबादत नूं जमा कर दिता। नमाज ते इहदे अंदर है ही है, वे बंदा पढ़दा ही पढ़दा नमाज ते इहदे अंदर अदा करदा जिवें आम दिनां दे अंदर अदा करदा। इस अशरे अंदर इन्हां दसा दिनां दे अंदर बतौरे खास नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया अल्लाह जुल जलाल नू इन्हां दिनां विच नेकियां कीतियां बड़ियां ही पसंद आउंदियां ने।
इन्हां दसां जिहड़े कल शुरू होण वाले ने इन्हां दसां दिनां दे अंदर नेकियां अल्लाह नूं बड़ियां ही प्यारियां लगदियां ने, बड़ियां ही अल्लाह दियां पसंदीदा ने। इन्हां दसां दिनां दे अंदर खुसूसी तौर ते नमाज दा एहतमाम करना चाहीदा। हुण पहला कलमा की है, शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। मेरे पाक पैगंबर अली सलाम ने फरमाया गवाही देना कि अल्लाह एक है। हुण ऐ जदों दस दिन शुरू हो जांदे ने, यानी जक यकम ज़ुलहज तो लैके नौ ज़ुलहज तक, दसवें दिन तो ईद हो गई ना, कुर्बानी हो गई। इन्हां दसां दिनां दे अंदर इब्तदा किंज करनी है? अल्लाह सारा साल मेरे कोलो गलतियां भी होईयां ने, गुनाह भी होए ने, जुर्मां दा भी इरतकाब करदा रहा, अल्लाह तेरियां नाफरमानियां भी करदा रहा। अरशां वालिया अज तो लैके मैं सच्ची तौबा कर लूं। बड़ी फजीलत वाले दिन ने फायदा उठाइए, अल्लाह आज तो लैके मैं पिछलियां दी तौबा करना वा, मुआफियां मांगना वा, माजरत करना वा। अरशां वालिया रब्बा आइंदा मैं तेरिया ना फरमानियां ना करन दा वादा करना वा। पहला दिन ज़ुलहज दा शुरू हो गया, अपने रब नाल तार जोड़ लो, अपने रब नाल ताल्लुक मजबूत कर लो। और इसे वास्ते हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा और जनाब अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो, इन्हां दी आदत मुबारक सी कि ज़ुलहज दे पहले दिन तो लैके ए गल्लां नोट करन वालियां दे पल्ले बनन वालियां दे और निरा सुन सुना के ते इत्थे ही झोली झाड़ के नहीं चले जाना चाहिदा, बल्कि इन्हां नूं समझ के इन्हां ते अमल करना चाहिदा। कोई लंबे चौड़े ते दिन है नहीं, जिवें रमजान दे दिन बड़े महदूद हुंदे ने, चलो वो ते फिर भी 30 या 29 दिन बनते हैं, उन्हां दा भी तीसरा हिस्सा बनता है, यानी 10 दिन सिर्फ बनते ने। इन्हां दसां दिनां दे अंदर ज्यादा तो ज्यादा नेकी वाले काम करन दी कोशिश करनी चाहीदी है। इन्हां दी आदत मुबारक सी कि जदों ज़ुलहज दा चन्न चढ़ पैंदा कर दे की बाजारां दे अंदर निकल जांदे, एवें घूमण फिरन वास्ते नहीं, एवें बाजार दा चस्का लैण वास्ते नहीं, बल्कि बाजारां दे अंदर निकल जांदे ते अक्सर तकबीरात पढ़दे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। शर्म महसूस ना करिया, ओए गालियां कढ़ देआं बाजार विच असी शर्म नहीं करदे, झूठ बोलदे आं बाजार अंदर शर्म नहीं करदे, घट तोलदे आं बाजार अंदर शर्म नहीं करदे, लोकां दे हक खांदे आं शर्म नहीं करदे, अल्लाह दियां ना फरमानियां करदे शर्म नहीं करदे। ओए ए बंदा सोचे लै मैं बाजार च जाके ते जो उच्ची आवाज ना पढ़ांगा ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, लोग आखणगे शदाई हो गए। शर्म ना करिया करो, शर्म करनी आ ते घट तोलन तो करिया कर, जुआ खेलन तो करिया कर, लोकां ते जुलम ते ज्यादतियां करन तो करिया कर, रब दा नाम पुकारन में शर्म करनी चाहीदी। बाजारां दे अंदर निकल जांदे तकबीरात शुरू कर दे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। रुकन इस्लाम दा मैं अर्ज कीता ना, इन्हां दसां दिनां दे अंदर सारियां इस्लाम दियां बुनियादी चीजां आ जांदियां ने। पहली बुनियाद की है शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। ते चलदे आं फिरदे आं जबान तो एक कलमे पढ़िया करो, एक दूसरी रिवायत दे मुताबिक अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह
अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहान अल्लाह बुकरतं व असीला। चल दिया फिर दिया आम दिनों दे अंदर पढ़ो ते जदों नौ ज़ुलहज दा दिन हो जाए उदों ए जड़ी साड़ी रूटीन है ना के नौ नू फजर तो शुरू करनिया ने तकबीरात और तेरा तक उन्होंने पढ़ना और सलाम फेर के नमाज तो बाद एक दो चार वारा बुलंदा वाजना पढ़ने ते बस इन्ना ही काम है। नहीं, इन्हां दसां दिनां च जिन्ना ज्यादा तो ज्यादा हो सकता पढ़ना चाहिए। दुकान ते बैठा ते तां पढ़दा रह, घर बैठा ते तां पढ़दा रह, बाजार च चलदा फिरना पिया ते तां पढ़दा रह। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जे किते माहौल बन जाए ना अल्लाह किसे नूं तौफीक दे दे, और मैं यकीन रखना कि अगर कोई हिम्मत करे एक दो चार पांच बंदे बाजार च टुरदे आ फिरदे आ ते उन्हां नूं वेख के नाल कई पढ़न लग पैणगे। कदी अंदाजा करिया जे या अल्लाह तौफीक दे ते जरा तजर्बा भी करिया, एक दो बंदे पढ़न लग पैण ते उन्हां नूं वेख के लोकी दूसरे भी पढ़न लग पैणगे ते तैनूं वेख के कोई होर भी नाल पढ़न लग पिया, ओनू ते सवाब मिलना ही मिलना। अल्लाह ओदे बराबर तेरे नाम अमाल विच तैनू भी सवाब अता कर दे जांगे। इस वास्ते कल ये दसवां पहला दिन शुरू होएगा अशरा ज़ुलहज दा। अपनी रूटीन बना लईए, अपनी तरतीब बना लईए। तकबीरा ज्यादा तो ज्यादा पढ़नियां चाहीदियां ने, तहलीला ज्यादा तो ज्यादा जबान तो अदा करनियां चाहीदियां ने। शहादत अल्लाह इलाह इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह वा इकाम सलाह। नमाज अदा करनी है आम दिन च भी करनी है ते खास करके इन्ना दिन च रूटीन बना लो। चलो सारा साल अगर इशराक पढ़न का मौका नहीं मिलिया, नौ या दस दिन ते इन्नी को बंदा हिम्मत कर ही सकता है ना। आधा घंटा ना समेगा तो केड़ा फर्क पै जाना है। जागना है तो जाग ले, आसमान के साया तले फिर सोया रहेगा हशर तक खाक के साया तले। ऐ दिन नहीं जागन देते रब नूं मनान दे, कबर च बयान ते फिर किसे कदी को दुआ दे चार लफज पता नहीं साढ़े लिए बोलने नहीं के लिए। सारा साल नहीं ते इन्ना दसा दिनां दे अंदर कोशिश करिए, इन्ना दसा दिनां दे अंदर रूटीन बना लईए कि नमाजे फजर दे बाद ये नहीं भी फजर ना पढ़ो तो उंज बाद बह के जिक्र अजकार करते रहो। फजर दी नमाज जमात नाल अदा करिए। नमाज फजर अदा करन दे बाद जेड़ा बंदा अपनी जगह ते बह के जिथे नमाज पढ़ीए उथे ही बह के सानू ते काली पई हुंदी है ना, एक पासे सलाम फेरिया दूजे पासे अजे पूरा फेरिया भी नहीं, इथो उठिया ते ओ बाहर जा वेड़े च बैठा गर्मी बड़ी है जी। और कोई अगली गर्मी का भी फिक्र करिए, कोई अगली गर्मी का भी ख्याल करिए। नबी अली सलाम ने फरमाया अपनी जगह फजर पढ़िए, अपनी जगह बह जाए जिथे नमाज पढ़िए। हुण इहदी अपनी जगह की है, सलाम फेर के पिछे हटन की बजाय ये जिथे खड़ा ते जिथे इन्हें सजदा किया ये सारी जगह एदी ओ है जिथे इन्हे नमाज पढ़ी है। अगर अपनी जगह बदलना चाहता है ते पिछे होने की बजाय अगे हो जाए।
जगह बदली जाएगी लेकिन रहेगी ओह जिथे इन्हें नमाज पढ़ी है। आमिना दे लाल अली सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा फजर दी नमाज पढ़ के ते अपनी जगह ते बैठा रहिंदा आ फरमांदे ने फिर जिक्र अजकार करदा रहिंदा अल्लाह दी तस्बीहात पढ़दा रहिंदा नबी पाक अली सलाम ते दुरूदो सलाम पढ़दा रहिंदा। मेरे पाक पैगंबर फरमांदे ने सुबह दा सूरज निकल आया, सूरज निकलन तो कोई 10-12-15 मिनट बाद इन्हें उठ के दो रकातां पढ़ लिया ने। किनिया इन्हें उठ के दो रकातां पढ़ लिया ने। अल्लाह दे प्यारे नबी जी की लभेगा, एक घंटा सवा घंटा अपनी जगह बैठा रहा, इबादत करदा रहा, अल्लाह दा जिक्र करदा रहा, महबूब लभेगा के ते कामों की वाले हो। मेरे महबूब दा फरमाने गिरामी जरा पल्ले बन के ले जाओ। और मैं कहा करना वा कायनात दी हर जबान गलत हो सकती है, मेरे नबी दी जबान बोलो गलत हो सकती नहीं। वजह की है वन्नजमे एजा हवा, वन्नजमे एजा हवा माजल्ला साहेबोकुम वमा गवा वमा यन्ते को अनिल हवा इन हवा इल्ला वहयू। उस पाक पैगंबर दी ज़बाने अकदस तो ये जुमले अदा हो रहे ने। मेरे आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा अपनी जगह ते बैठा रवे सूरज उगन दे बाद तुलू होन दे बाद दो रकता नमाज इशराक दिया पढ़ ले आका की लभेगा। फरमाया एक हज ते एक उम्रे दा पूरा पूरा अल्लाह सवाब अता कर देंगे। किन्ने चेरे च? एक घंटे च। किन्नी देरे च? एक घंटे च। 12-15 लाख रुपया प्राइवेट जेड़े हाजी गया ने उन्होंने खर्च किया है, 10-11 लाख रुपया सरकारी हाजी जेड़े सरकारी छता ते गया ने उन्होंने खर्च किया है, 40-42 दिन उत्थे रहना, उन्होंने 40 दिन च एक हज का सवाब, तैनू एक घंटे च एक हज ते उमरे का अल्लाह सवाब अता फरमा देंगे। अच्छा इहदा मतलब यह नहीं भी फर्ज हज तेरे मेरे ते है वे ते बस दो रकातां एक दिन पढ़ लो ते हज पूरा अदा हो जाएगा, यह मसला नहीं। जिस बंदे ते हज फर्ज है अल्लाह ने उन्हें दौलत की फरावानी अता फरमाई है उन्हें हज करना फर्ज है, जरूरी है उत्थे जाके। लेकिन तुहानू पता है ना ज़ुलहज का महीना चढ़िया ते हाजी हज करन नूं टुरवे, हाजी हज करन वास्ते टुरवे जेड़े अमीर ने जेड़े ताकतवर ने जिन्हां नूं अल्लाह ने रिजक दी फरावानियां अता फरमाईया ने वह हज वास्ते टुर पिया ने। ते जेड़े गरीब ने जेड़े माड़े ने जेड़े कमजोर ने जिन्हां को इन्नी हिम्मत नहीं जिन्हां को इन्नी ताकत नहीं या अल्लाह ओते 12 लाख ते की होना, वो बेचारे ते 12,000 भी खर्च करन जोगे ने। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने ओ मेरी महबूब दे उम्मतियो, मेरे महबूब दे आखे लग के जो मेरे नबी ने दसिया वो कर दे जाओ, अल्लाह गरीबा नू सवाब अता फरमा देंगे। सहाबा ना माड़े माड़े गरीब गरीब सहाबा नबी अली सलाम दे कोल आए ते आके अर्ज करते ने सोनियो आते कई लोग बड़े अमीर ने पैसे वाले ने मालदार ने आका ओ बड़िया नेकियां करते ने माल खर्च करते ने सदका खैरात करते ने
असी माड़े असी ते रह गए पिछे सानू ते कुछ ना लब्बा। आप फरमांदे ने परवाने हो परेशान ना होवो, मैं तुहानू एक वजीफा दसना वा जी आका। हरमाया हर नमाज दे बाद पढ़िया करो 33 दफा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अलहम्दुलिल्लाह, 33 मरतबा अल्लाह अकबर। मेरे पाक पैगंबर अली सलातो सलाम ने फरमाया सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, आका सोने हो की लबेगा। मेरे आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा हर नमाज दे बाद ए वजीफा 33 मरतबा या आखर ते 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ लेंदा आका लबेगा के फरमाया एदे सवाब नू दुनिया दा कोई बंदा पहुंच ही नहीं सकदा। बड़े सहाबा खुश होए, मौजां लग गईयां ने। कुछ दिन गुजरे ए फिर नबी पाक दे कोल है, हुजूर ए ते उन्हां नू भी पता लग गया ते वह भी पढ़न लग पए ने, वो ते फिर साढ़े तो अगे वध गया। आका फरमांदे ने ए ते फिर मेरे रब दी तकसीम है, रब जिन्नू चाहे अता फरमा दे। मेरे भाई मेरे बरादर ऐस महीने सुलहज दे पहले दसा सारा साल रूटीन बना लो, सारा साल नमाज इशराक पढ़न की कोशिश करनी है, नमाज फजर बा जमात अदा करन की कोशिश करनी है। अल्लाह तौफीक देवे ते नमाज तहज्जुद अदा करनी है। चलो सारा साल नहीं पढ़ सके, इन्हां दसां दिनां दे अंदर मेरे पाक पैगंबर दा फरमान गिरामी सामने रख के अगर बंदा दो रक्त इशराक दियां अदा कर लेगा ते अल्लाह एक हज ते उमरे दा पूरा पूरा सवाब अता फरमा देंगे। दसा दिन मैर्ज किया ना अल्लाह ने सारिया इस्लाम दिया बुनियादी जेड़िया चीजा ने उन्होंने जमा फरमा दिता। और इन्ना ही दसा दिन के अंदर हज वाला अमल बड़ा वड्डा अमल है, हज वाला अमल बहुत बड़ा अमल है, गुनावां तो पकीजगी दा अल्लाह जुल जलाल परवाना अता फरमा देंदे ने। मेरे पाक पैगंबर अली सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा हज करदा पूरा ओदा हक अदा करदा, लड़ाई नहीं करदा, झगड़ा नहीं करदा, अल्लाह दी ना फरमानी नहीं करदा। ते मेरे पाक पैगंबर अली सलाम ने फरमाया जो हज दा तरीका पूरी तरह सुन्नत दे मुताबक कुरान दे मुताबक अदा करदा, आप फरमांदे ने जिद्दन हज पूरा कर लैंदा अल्लाह इहनू गुनाहां तो इंज पाक कर देंदे ने जिवें अज ही दुनिया ते पैदा होया। इंज अल्लाह जुल जलाल वली करा अपने इस बंदे नो गुनाहों तो पाक ते साफ फरमा देंदे ने। मेरे भाई इन्ना ही दसा दिनां नू नबी पाक अली सलाम ने फरमाया अजमत ते फजीलत ते शान अता फरमाए, इन्हां दसा दिनां च सारे अरकान इस्लाम जमा फरमा दिते ने। नमाज भी है वे, रोज़ा भी है। हुण अमीर ते चले गए हज ते, गरीब आदमी नहीं जा सकिया ते नबी अलैहि सलाम फरमांदे ने जेड़ा बंदा 9 ज़ुलहज दा रोजा रख ले, किन्नी ज़ुलहज, 9 ज़ुलहज, जेड़ा मशहूर है ना अरफा दा रोजा 9 ज़ुलहज दा। नबी पाक अलैहि सलाम फरमांदे ने जेड़ा बंदा 9 ज़ुलहज यानी अरफा दा रोजा, अरफा हाजी मैदान अरफात विच हुंदे ने ते ओ अपने रब दियां इबादतां करदे ने पै। ते मेरे आका अली सलाम फरमांदे ने जिन्ने बंदियां नूं अल्लाह जहन्नम तो आजादियां अता करदे ने, रमज़ान दे रोज़े रखदे आं असीं, रमज़ान दे आखर ते किन्ने खुश नसीब ने जिन्हां नूं अल्लाह जहन्नम तो आज़ाद कर देंदे ने, जन्नत दा हकदार बना देंदे ने। इसे तरह मेरे आका अली सलाम फरमांदे ने 9 ज़ुलहज जदों हाजी अरफात दे अंदर मौजूद हुंदे ने, अरफा वाले दिन
जिन्ने लोकां नूं अल्लाह जहन्नम तो आजाद कर देने किसे होर दिन विच कर दे ही नहीं। सब तो ज्यादा नौ ज़ुलहज वाले अरफा वाले दिन अल्लाह लोकां नूं जहन्नम तो आजादियां दे परवाने अता फरमा देंदे ने। इस वास्ते ओ किस्मतां वाले नसीबां वाले ओ ते हज वास्ते चले गए ने। आका आ माड़े गरीब जेड़े ने हज करन जोगे नहीं, पैसे तारन जोगे नहीं, ए की करन? मेरे पाक पैगंबर अली सलाम ने फरमाया नौ ज़ुलहज रोजा रख ला। अच्छा नौ ज़ुल हज का रोजा जेड़ा ये हाजियां वास्ते नहीं, जेड़े मैदाने अरफात विच पहुंचे ने ना उन्हां वास्ते रोजा जरूरी नहीं, उन्हां नूं नहीं रखना चाहिए। आम लोग जेड़े एदे तो इलावा ने मेरे आका फरमांदे ने नौ ज़ुल हज का रोजा रख लो। मैं उम्मीद रखना वा एक पहले साल ते एक पिछले साल दे अल्लाह एदे गुनावां नूं माफ फरमा देंगे। दो साल दे गुनाह वादा कर लो हां मैं भी ते तुसी भी अगे कदी रखिया कि नहीं ऐद का नौ ज़ुलहज का रोजा इंशाला रखा। वैसे तो ज़ुलहज के ए जड़े दस दिन ने अगर कोई बंदा सारे रोजे भी रखना चाहे तो रख सकता, रखने चाहिए ने, नहीं रख सकता तो चलो कम अज कम नौ ज़ुलहज का रोजा जड़ा जरूर रखना चाहिए। क्योंकि नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया मैं उम्मीद करना वा अल्लाह ज़ुल जलाल वली कराओ दो साल दे गुनावां ते मुआफियां दे कलम फेर देंगे। ओ नसीबां वाले ओ किस्मतां वाले मैदान अरफात दे अंदर पहुंचे ने ते दुआ करो हां अल्लाह सानू भी सारिआं नू अगले साल लै जा। आमीन ते कह दे। अल्लाह अपने फजल ते अपनी खास रहमत नाल पल्ले ते साडे शह कोई नहीं ते सोहणिआ तेरे अगे मुश्किल कोई नहीं। अल्लाह अपनी रहमत नाल सानू सारियां नू हज दी सआदत नसीब फरमा दे। अल्लाह अल्लाह और एक साहिबे दिल ने ना बड़ी प्यारी मुहब्बत भरी गल कीती है आंदा रब्बा सानू भी बुला लै असा जाना हज नू। आमीन कह ओए आमीन ते कह दियो। रब्बा सानू भी बुला लै असा जाना हज नू, लिबास कबर वाला पाके जदो असी जावांगे। कबर वाला लिबास की है? एक चिट्टी चादर लक बन्नी है, एक चिट्टी चादर गले च लपेटी है। ए बड़ा शाही अफसर है, बड़ा वड्डा हुक्मरान है, बड़ा वड्डा बादशाह है, बड़ा वड्डा लीडर है, बड़ा वड्डा सियासतदान है, बड़ा वड्डा मजहबी रहबर ते रहनुमा है। मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया एहराम बन लिया और एहराम की है पैंट ला देनी है, चादर बन लेनी है। वल आउंदा ते भावें नहीं आउंदा, हुण ते चादर बनन दा खैर अगली नस्ल नूं उंजी घट वल आउंदा है। ये ट्रोजर शर्ट ते ही अपना गुजारा करते ने, लेकिन हज वास्ते उमरे वास्ते एहराम वास्ते जरूरी है कि एहराम बनिया जाए। एयरपोर्ट ते चले जाओ उमरे वास्ते या हज वास्ते, नौजवान मुंडे लभदे फिर अच्छा अच्छा जी जरा चादर बनन दा वल दसिया, चादर बनन दा तरीका बाबियां कोलो बजुर्गां कोलो ऐ जी बाबा जी चादर बनन दा तरीका दस्या जे। जरूरी है एक चादर लग बननी है, एक चादर अपने गले च लपेटिए, दो चिट्टियां चादरां अज पा के मक्के जा रहे हैं ते ए कोई दो तीन चादरां दे के तैनू इना कबर वल रवाना कर देना। लिबास कबर वा जबान ते तराना की है लब्बई अल्लाहुम्मा लब्बई लब्बई काला शरी काला का लब्बई। लिबास कबर वाला पाके असी जदों जावांगे सारे दुनिया दे फिकर मुका के जावांगे। लिबास छड़ गया फैक्ट्रियां इत्थे कारखाने इत्थे और जनाब सारे घर दे मामलात सब इत्थे
40 दिन वास्ते हाजूरी टुर गए ने, कोई मरे कोई जीवे पिछे, ये अपने रब नाल तारा जोड़ लै, ये उन्हूं उत्थे राजी कर लै, पिछले मुआमलात अल्लाह आपे ही दुरुस्त फरमा दे। लिबास कबर वाला पाके असी जदों जावांगे, हाय फिकर दुनिया दे सारे ही मुका के जावांगे, खत्म करके असी जासा अपनी सजदा जुनू, रब्बा सानू भी बुला लिया सा जाना हाजुनू। ते सोनिया सानू यकीन है तेरे दर जे आदर नहीं कोई होर सोनिया है वे, बोलो है वे, तेरे साडा ईमान है सोनिया, तेरे दर जे आदर नहीं कोई होर सोनिया, तेरे घर जे होर नहीं कोई घर सोनिया, तेरे दर जे आदर नहीं कोई होर सोनिया, तेरे घर जे होर नहीं कोई घर सोनिया, दे हमद दी तौफीक साडी शारग नू, दे हमद दी तौफीक साडी शारग नू, रब्बा सानू भी बुला लिया सा, रब्बा सानू भी बुला लिया सा, रब्बा सानू भी बुला लिया सा जाना हजनू, साडे हजनू कबूल तू जरूर कर लै, साडियां दुआवां नू मंजूर तू जरूर कर लै, करी रहमत दी नजर ना वेखी साडे चज नू, रब्बा सानू भी बुला लिया सा जाना हजनू, जहाज उते बह के जदों असी मक्के जावांगे, अल्लाह लै जाए ओ आमीन ते कह छोड़ो, पता कोई नहीं हुंदा केड़े वेले दी आमीन कबूल हो जानी है, ते जे रब ने उते हाजरी लिखी है ना ते फिर इंशाल्लाह जाना ही जाना। मैनू याद आया कल परसों मैं खबर देख रहा सा मलेशिया चो, जरा तुसी अंदाजा फरमाओ मालिक दी तकसीम दा, मलेशिया दा एक जोड़ा हज दी दरखास्त दीती, अचानक इरादा बन गया भी हज कर आईए, दरखास्त दीती, को 12-15 घंटे रह गए ने कागजात जमा कराने चो, ते दरखास्त दीती ते कबूल भी हो गए, दरखास्त कबूल भी हो गई, चले भी गए, सुभान अल्लाह, दोवें जी 12-15 घंटे पहले दरखास्त दीती चले भी गए, ते जाके बैतुल्ला दा तवाब करके फारग होए, ते खामद उथे ही फौत हो गए। अल्लाह अल्लाह, मेरे मालिका तेरे महबूब ने फरमाया इहराम दी हालत च फौत होया, ते कयामत नू उठेगा ते जबान तो पर्दा होएगा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। मैं दस रहा वा इन्हां दसां अशरा सुल हज, इन्हां दसां दिनां दे अंदर सारे अरकान जेड़े इस्लाम दे ने अल्लाह जुल जलाल ने जमा फरमा दिते, तां इन्हां दी फजीलत भी ज्यादा है, अल्लाह ने सारे अरकान इहदे अंदर इकट्ठे फरमा दिते ने, नमाज इहदे अंदर आ गए, रोजा इहदे अंदर आ गया, रखे सारे रोजे रखे, 9 दे 9 दसवां नहीं, 9 दे 9 रोजे रखे, अल्लाह जुल जलाल अजरो सवाब अता फरमाएंगे, सदका खैरात अगो कुर्बानी अदा करनी है, ते हज दा, हज दा बड़ा वड्डा सवाब ते अजर है, मैं कुर्बान जावां अमीर पैसे ला के हज करन चले गया, ते गरीब जेड़े ने वो दुआ ते कर सकदे ने ना, क्यों जी दुआ कर सकदे ने, दुआ ते पाबंदी नहीं, आ माड़ा ते दुआ भी नहीं कर सकदा, दुआ ते पाबंदी नहीं। इमाम सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाह अलैह 80 हज कीते ने, किन्ने 80 हज कीते ने, हा फरमांदे ने पहला हज मैं 11 साल की उम्र च कीता, 11 साल की उम्र च पहला हज कीता, रब को एक दुआ की, या अल्लाह
ये मेरा आखिरी फेरा ना बनाई, मैनू बार बार इत्थे ले आए। ते हर साल 79 साल उस तो बाद जिंदा रहने, यानी टोटल उम्र तकरीबन को 90 साल है। 11 साल की उम्र च पहला हज किया, 79 साल उस तो बाद जिंदा रहने, ते हर साल ही हज करते रहने। ते दुआ ये हुई करते रहे, या अल्लाह इस साल नू मेरा आखिरी साल ना बनाई, अल्लाह फिर मैनू हाजरी नसीब फरमाई। शागिर्द उन्हां दा आंदा है कि इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमान लगे अपने शागिर्द नू कि इन्ने मैं हज कर लिया ने, 80 हज किए ने, ते ऐतका जदों मैं आखिरी आखिरी दफा गया ना, ते मैं आ दुआ करन लगा, या अल्लाह मैनू दोबारा भी लैके आई ते मैनू शर्म आ गई, मैनू शर्म आ गई, हुण भी मैं रब नू आखा जिन्हें 80 वारा मैनू इत्थे बुला लिया। आंदे ने मैं फिर ऐतका दुआ नहीं की, ते शागिर्द आंदा है इसे साल ही फिर हज आने तो पहला पहला इमाम साहब दुनिया तो ही चले गए। यानी सारे अरकाने इस्लाम नो अल्लाह ने इन्हां दिनां दे अंदर इकट्ठियां फरमा दिता। हुण करना की है, इन्हां 10 दिनां दे अंदर अल्लाह जुल जलाल ने इन्हां 10 दिनां दी बाकायदा कसम उठाई है। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल फजर वल लयाल नाशर व शफ़े वल वतर वल लैल इज़ा यसर हल फी ज़ालिका कसमुल लज़ी हिजर अलम तारा कैफ़ा फ़ाला रब्बुका बयान। अल्लाह जुल जलाल ने इन्हां 10 रातां की कसम उठाई। हुण तुसी आप अंदाजा कर लो भी इन्हां दी शान किन्नी है कि जिन्हां 10 रातां की कसम रब्बुल आलमीन ने आप उठाई है। अहमियत बड़ी है, अजमत बड़ी है, शान बड़ी है। हुण इन्हां 10 दिनां दे अंदर नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया जेड़ा बंदा कुरबानी का इरादा करदा, यानी अज जुलकादा दा आखिरी शायद दिन होएगा, ते जिस बंदे ने कुर्बानी करन दा इरादा कर लिया, कुर्बानी करन दा प्रोग्राम है, उस घर दे जिन्ने अफराद ने, चूंकि कुर्बानी दे अंदर कुर्बानी दा अजर सवाब सारिया वास्ते बराबर दा हुंदा है, घर दे अंदर 2-4-5 बंदे ने, बेटियां ने, बेटे ने, बीवी है, ते एक जानवर बंदा लैके कुर्बान कर दै, ते अल्लाह सारिआं नूं बराबर दा अजरो सवाब अता फरमा देंगे। जेड़ा कुर्बानी दा इरादा कर दै, नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया ओ घर वाले भी ते आप भी चन चढ़न तो पहला पहला, यानी अज जुमा अज शाम दी अजान तो पहला पहला अपने नाखून कट लै, अपनी हजामत करवा लै, ते फिर ईद वाले दिन जाके अपनी हजामत, ईद पढ़ के लोग कुर्बानियां करन ते ए जाके अपनी हजामत करवा रहे है। एक रवायत दे अंदर मौजूद है नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम दे कोल आने वाला एक बंदा आया, आके अपनी गुरबत दा दसिया मैं माड़ा बंदा वा गरीब बंदा वा, आका सोने मैं की करा, मैं कुर्बानी करन जोगा नहीं। आप फरमांदे ने चन वेखन तो पहला नाखून कटा ला, वाल कटा ला, हजामत करवा ला, ईद वाले दिन लोकी कुर्बानियां करनगे, तू अपनी हजामत करा ले, अल्लाह कुर्बानी दा तैनू सवाब अता फरमा देंगे। लेकिन ये मुतालिक मुफस्सरीन और मुहद्दिसीन का मौकफ है कि एक खास
उस बंदे नाल सी आम हुकम ने हुण की है जिस बंदे ने कुर्बानी करनी है वो अपनी हजामत पहला नाखून पहला कटवा ले इन्हां दसां दिनां दे अंदर हजामत ना कराए नाखून ना कटाए ते मेरे आका अलैहि सलातो व सलाम दी पाबंदी सिर्फ उन्हां वास्ते जेड़े कुर्बानी करना चाहते ने और जेड़े कुर्बानी करन दा इरादा नहीं रखते एक कैद उन्हां वास्ते नहीं जरूरी है उन्हां वास्ते जिन्हां कुर्बानी करनी है मैं कुर्बान जावां इन्हां दसां दिनां दे अंदर नमाज भी आ गए रोजा आ गया फरमाया दो साल दे गुनाह अल्लाह मुआफ फरमा देंगे हज दा दिन भी इन्हां दसां दिनां दे अंदर आ गया अल्लाह कोलों हज दा ते उमरे दा बंदा सवाब हासिल करना चाहे नबी पाक अलैहि सलाम ने तरीका दसिया अल्लाह हज उमरे दा सवाब अता फरमा देंगे और इन्हां दसां दिनां दे अंदर जाहिर कई पहला कुर्बानियां ले लईयां ने कई हुण कुर्बानियां खरीदनियां ने फरमाया जानवर सोना अल्लाह दे राह च ज़बा करो जिवें तैनू पसंद होए ताके मालिक नू भी पसंद आ जाए ये नहीं के सुकिया सड़िया हड्डियां दी मिख भी मुक गई है ते लिया के कुर्बानी कर लई है नहीं सोना जानवर अल्लाह दे राह विच ज़बा कर अल्लाह कबूल फरमा के पुल सरा तो लंघन दा इनू समान बना देंगे इस वास्ते ए दस दिन जेड़े कल तो शुरू हो रहे ने करन वाले काम की ने ज्यादा तो ज्यादा तकबीरात नमाजा तो बाद आम चलदे आ फिरदे आ तकबीरात ज्यादा तो ज्यादा पढ़िए और नौ सुल हज तो लैके फजर तो लैके फिर मुसलसल और ज्यादा चार दिन तक यानी अय्यामे तशरीक जेड़े ने उत्थों तक तकबीरात ज्यादा तो ज्यादा पढ़निया ने अपने मालिक नू राजी करना तकबीरात तशबीहात तहलीलात करके अपने खालिक ते मालिक नू राजी करना ताके इन्हां दिनां दी रहमत ते बरकत नाल नबी अलैहि सलाम ने फरमाया इन्हां दिनां च जिन्ना अल्लाह नू नेक अमल पसंद है ना होर किसे दिन च नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद भी नहीं जरा नोट फरमाया जे जिहाद भी नहीं नबी अली सलाम फरमाते ने नहीं जिहाद भी नहीं एडा वड्डा अमल इन्हां दसां दिनां च कोई भी नेक अमल करो जिहाद भी नहीं इल्ला ए के एक बंदा घरों निकलिया माल लैके जान लैके ते माल भी अल्लाह दे राज कुर्बान हो गया ते जान भी अल्लाह दे राज कुर्बान कर आया शहीद हो गया आका फरमांदे ने इस बंदे तो इलावा कोई अमल करन वाला बंदा अल्लाह नू इन्ना आम दिन च पसंद नहीं जिन्ना इन्ना दसा दिन दे अंदर पसंद है बड़े कीमती दिन ने बड़े कीमती अय्याम ने इन्हां दे अंदर ज्यादा तो ज्यादा सदका करो खैरात करो नवाफल अदा करो फराइज का अहतमाम करो इशराक का अहतमाम करो क्यों रब्बुल आलमीन ने इन्हां दसां दिनां दे बारे फरमाया वल फजर वलयाल नाशर रब जी दी कसम उठाई ओ मामूली शाय नहीं वल फजर वाला याल नाशर व शफे वल वतर वल लैल इज़ा यसर हल फी ज़ालिका कसमुल लज़ी हजर अलम तारा कैफा फाला रब्बुका इन्हां दिनां नूं कीमती बना लईए ताके अल्लाह जुल जलाल वल इकराम साडी निजात दा जरिया और सबब बना दे अल्लाह कोलों दुआ है अल्लाह सानू सारिया नूं किताब व सुन्नत नूं समझ के अमल दी तौफीक अता फरमाए صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ
والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اے بھائی کچھ اعلانات نے پچی جون مرکز ہدا اتحاد طلباء اور طالبات آن لائن کورس شروع ہو رہا ہے جڑے احباب وہ تو فائدہ اٹھانا چاہن انہوں نے رابطہ کر سکتے ہیں ذوالحج دے روزے دی فضیلت نو میں دس چکا ہاں زیادہ تو زیادہ روزے بھی اگر رکھنا چاہو تو رکھ سکتے اور خصوصاً نو ذوالحج دا روزہ ضرور رکھنا چاہیے ہے اے لکھیا جی میری والدہ محترمہ شوگر دی وجہ تو لت کٹ گئی ہے دعا کرو اللہ انہاں نوں مکمل شفا عطا فرمائے نو بجے اہل حدیث یوتھ فور سٹی کاموں کے دے زیر اہتمام نو جون اتوار شام پنج بجے پاسبان میڈیکل سینٹر عالمگیر روڈ تے فری میڈیکل کیمپ لگایا جائے گا جدے اندر کھانسی دمہ اور ٹی بی وغیرہ دے امراض جڑے ہیں ڈاکٹر عبداللہ ساجد صاحب وہ انشاءاللہ فری چیک کرنگے کار دے اندر دو دین والی بکری ہے کیا ہو دی قربانی کیتی جا سکتی اور قربانی دا جانور خریدن تو پہلے کی احتیاط کرنی چاہی دی بھائی دو دین والی بکری زیادہ مناسب تے ہوئے کہ اگر کوئی اور چارہ کار نہیں تے انہوں تبدیل کر لو جنہ نو ضرورت ہے کئی ایسے ماڑے کار بھی ہوں دینے وہ بکری تے گزارا کرنا لے ہوں دینے وہ بکری ویچ کے فروخت کر کے اس قیمت دا یا وہ دے تو ود کٹ کر کے کوئی اور جانور خرید کے قربانی تے ذبح کر لو زیادہ مناسب ہے تاکہ دودھ دے رہی ایک بکری دودھ دے رہی ہے وہ دے کلوں کسی نہ کسی نو فائدہ ہو سکتا ہے قربانی واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہری عیب جڑے نے کان نہ کٹیا ہوئے اکھ تو کانا نہ ہوئے لت تو لنگڑا نہ ہوئے انتہائی کمزور نہ ہوئے ایسا جانور یعنی سونا اچھا جانور اچھا ایک عرف عام دے اندر ساڑے معروف ہے کہ صرف دوندہ جانور ہی ذبح کرنا ہاں بھائی دوندہ جانور دا مطلب اے وے کہ کھیرا نہ ہوئے کوشش کرو ویسے تے ہن ساڑے معاشرے چا الحمدللہ ہر طرح دا جانور مل جاندہ ہے اچھے تو اچھا جویں دا چاہو مل سکتا ہے تو مقصد اے وے کہ کھیرا نہ ہوئے کھیرے تو بعد دوندہ ہو سکتا ہے چوگا ہو سکتا ہے چھگا ہو سکتا ہے یعنی کھیرے تو اتے جڑے نے چوگا چھگا دوندہ او ہو سکتے نے کھیرے تو بچنا چاہید ہے اور اگر بالفرد نہ ہی کسے پاسیوں گل بنے نہ لبے تو پھر لیلا جڑا چھترہ جنہوں سیانے ہیں او اگر سونا اچھا ہوئے تو او کھیرا ہو سکتا ہے لیکن او دو جدوں کوئی شائع نہ لبے زفر اسلامک سی ڈی سینٹر موڑے امن آباد والے ہونا دے پائی جان بھائی جان دی والدہ محترمہ انتقال کر گئی انہا اللہ و انہا الہ راجعون اللہ مرحومہ نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے محمد طفیل مرحوم انہا دی زوجہ محترمہ محمد یاسین گجر محمد طارق سعید دی والدہ محترمہ انہا واسطے دعا فرمانا اللہ مرحومہ نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے ساڑھے بڑے پیارے بھائی اور ساتھی انہوں نے طرفوں رکا ہے بڑا تفصیلی ہے اور وہ ماشاءاللہ جدوں لکھ دینے تفصیلی لکھ دینے کہ ولی کامل سید حضرت عبدالغنی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے مو بولے بھائی جگری یار انہوں نے جان اسار ساتھی مسلک اہل حدیث دے بہادر جرنیل مجاہد ملت میاں خلیل رحمان ایڈوکیٹ میاں عزیز الرحمان ڈاکٹر عتیق الرحمان انہا دے والد گرامی حاجی میاں عبد الرحمن بٹالوی پر ستر سو قضاء الہی نا وفات پا گا انہا للہ و انہا الہی راجعون انہا واسطے بھئی دعا فرمانا اللہ مرحوم نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے
बड़े नेक इंसान सन और बड़े और खास करके जिन्ना लोगों नू बड़े लोगों की सोहबत मुयसर आई। हज़रत सैयद अब्दुल गनी शाह रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत शाह साहब के बाद हज़रत यजदानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दे नाल लंबा अरसा गुजारिया और कुछ वक्त मैं भी उन्हां नाल मेरी मुलाकात रही है। कुछ दिन तो बीमार सन कुछ वक्त तो बड़ा माशाल्लाह खुशतबा इंसान सन। और हज़रत सैयद अब्दुल गनी शाह रहमतुल्लाह अलैह मियाँ साहब ने लिखा कि शाह साहब का एक पसंदीदा शेर उन्हां दी तरज ते अक्सर साडे मोहतरम मियाँ साहब पढ़िया करते सन, रफीकान सफ़र तो चल बसे हैं अपने ठिकानों पर, अब देखिए हमारे कूच की आती है बारी कब। मेरे भाई ये चल चली दा निज़ाम रब ने बनाया, जो चलेगा अल्लाह उन्हां दियां कबरां नूं जन्नत दे बाग बनाए और सानू अल्लाह किताब व सुन्नत दे मुताबक जिंदगी बसर करन दी तौफीक बख्शे। लिखे जी मेरा बेटा 3 माह तो मस्कत गया, मुलाजमत का कोई मसला अल्लाह आसानियाँ फरमा दे। बेटे की शादी की है, दुआ फरमाओ अल्लाह उन्होंने आबाद रखे। 1000 रुपया मस्जिद और 1000 रुपया मदरसे वास्ते उन्होंने भेजे है। बेटा बैरून मुल्क जाना चाहता है, अल्लाह कामयाब फरमाए। गैर मुअज्जल हक महर लड़की वाले लिखवाते ने, क्या शादी के बाद अच्छी जिंदगी बसर होते हुए भी अदा करना जरूरी है? इहदे अंदर उलमाए किराम का इख्तिलाफ है कि एक ही हक महर शेखुल हदीस मौलाना मुहम्मद अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह का मौकफ सी कि एक ही हक महर लिखवाना चाहिए या सारा गैर मुअज्जल या सारा मुअज्जल, थोड़ा बहुत है बच्चे की ताकत के मुताबिक। एक बच्चा 2-4 लाख रुपया महीने का कमाता है तो वह हक महर की वारी 5000 रुपया हक महर देता है, ये चूंकि औरत का हक है, ये औरत नाल ज्यादती है। बच्चे की ताकत के मुताबिक उसका हक महर औरत का अदा करना चाहिए, ज़्यादा ताकत है तो घट नहीं लिखवाना चाहिए, घट ताकत है तो वध नहीं लिखवाना चाहिए। साढ़े लोग ऐ जी गैर मुअज्जल 10 तोले सोना लिख दो, ये लड़ लड़ मर भी जान ना वो तलाक देन जोगा। भाई हुण तलाक दे ते नाल 10 तोले हक महर भी दे, इस वास्ते ज़्यादा मुनासिब है एक हक महर रखो, थोड़ा रखो बहुता रखो मौके ते अदा, या गैर मुअज्जल जेड़ा लिख दिता है दोनों की रजामंदी नाल वो मुअज्जल है गैर मुअज्जल है, हर हाल के अंदर जिंदगी दे किसी मौके दे अंदर वो मुआफ़ी नहीं, औरत का हक है औरत नूं अदा करना चाहिए। इला है कि औरत आप माफ़ कर दे ते डंडे नाल माफ़ भी आवे कर माफ़, ये भी नहीं करना अपनी मर्जी नाल खुशी नाल औरत अगर माफ़ कर दे तो अच्छी बात। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अल मुरसलीन।